वेलकम गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है जेपीएस एंटरप्राइजेस के स्टोर पे और संडे के दिन पे। आज संडे का दिन ऐसा रहा जिस दिन हम लोग बिल्ट रेडी कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम पे ऐसा नहीं होता क्योंकि पूरा का पूरा अपना नासा मार्केट जो होता है संडे के दिन यहाँ वर्किंग क्लोज रहती है। हर जगह की एक वीकली ऑफ होता है। लखनऊ है, लखनऊ में हजरतगंज जो एरिया है यहाँ का पूरा मार्केट जो है संडे को ऑफ रहता है। यहाँ की और मार्केट बृहस्पति को बंद रहती है, मतलब थर्सडे को बंद रहती है, कई जगह ट्यूजडे को बंद रहती है। तो इस मार्केट का जो ऑफ टाइम पीरियड है वो है संडे। संडे के दिन पूरा वीकली ऑफ। लेकिन दिवाली का सीजन चल रहा था, कुछ वर्किंग करनी थी लाइट्स और सब चीजों पे। तब तक मयंक जी का दो चार दिन से काम चल रहा था सिस्टम पे। हम लोगों की बात चली कि सिस्टम ये रेडी करना है, टाइम नहीं था, तो फिर ये हुआ संडे के दिन में भी पॉसिबिलिटी रहे, हम शॉप ओपन करते हैं तो आप भी आ सकते हो संडे के दिन। फिर ये सिस्टम भी डिसाइड हो गया कि आज इस सिस्टम को भी बिल्ड कर लेते हैं। जैसा आज के टाइम पे एक ट्रेंड चल रहा है मल्टीपल पर्पज में रेडी करने का, मेन मतलब ये है कि आप चाहे एडिटिंग करने जाएं, चाहे गेमिंग करने जाएं, चाहे कोडिंग करने जाएं, ये तीनों विधाएं ऐसी हैं जिसमें सिस्टम के हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी रखी जाती है और साथ में उनके सॉफ्टवेयर भी सारे ओरिजिनल काफ़ी हद तक यूज़ करने चाहिए। क्योंकि अगर हम विंडो ओरिजिनल यूज़ कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे ग्लिच हैं जो हमको देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कोई भी ब्लू स्क्रीन या कुछ ऐसे डंप मेमोरी के कोई मैसेज आते हैं तो वहाँ पे उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स बनकर आता है, सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट और डोंट सेंड। आप जब ओरिजिनल विंडो यूज कर रहे होते हैं तो उसे आप सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट कर देते हैं, उसका नतीजा क्या होता है, डिबगिंग करके रिपोर्ट आपको आपकी मेल पे मिल जाती है जिससे आप लॉगिन हुए होते हैं। ये तो हो गई इसकी बात। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब पे भी आप काम कर रहे होते हैं तो पूरा पूरा सपोर्ट मिलता है, टूल्स मिल रहे होते हैं लेटेस्ट वाले, और अपग्रेड के लिए आपसे ऑप्शन भी वो पूछ रहा होता है। उसके बाद अगर एडोब कलेक्शन पर आ जाते हैं, एडोब कलेक्शन में मंथली सब्सक्रिप्शन भी है, ईयरली सब्सक्रिप्शन भी है, आपको कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने हैं। ओरिजिनल में जब आप जाते हो तो उस जगह पे आपको टूल सबसे ज्यादा प्रोवाइड हो जाते हैं जिससे आपको वर्किंग आसान होती है। गेम में आप पायरेटेड अगर लेके, बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं, उन पे आप जाएंगे क्रैक मिल जाएगा, काम कर रहे होंगे लेकिन आपको मजा नहीं आएगा। स्टीम एक साइट है, वहां से आप परचेस करते हो और आपकी ओरिजिनल विंडो और सारे कंपोनेंट ओरिजिनल यूज करते हुए जब आप स्टीम को उसके साथ कोलैबोरेट करके आप काम करते हैं तो काफी अच्छी वर्किंग हो जाती है। दो टाइप के स्टीम बिल्ड चल रहे थे, एक इंटेल का बिल्ड। इंटेल का बिल्ट में इस टाइम वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनकी जो 14900K वाली सीरीज थी उसके अंदर क्या हुआ, ड्रॉबैक्स को खत्म करते हुए वो 5 ईयर वारंटी पे आने की तैयारी पर है और कई जगह उसको इंप्लीमेंट भी उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। 5 ईयर वारंटी के साथ प्रोडक्ट को अल्टीमेट बनाते हुए लॉन्च करना है, लेटेस्ट बायोस के साथ में प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जा रही है। उसी के अगेंस्ट में AMD ने भी अपनी सीरीजें उतारी हुई थी जो पहले इतनी अच्छी नहीं थी, बाद में धीमे धीमे उसके सारे अपग्रेड आने के बाद एकदम प्रॉपर वे में हो गई। जैसे M5 सॉकेट पे राइजन 7600, उसके बाद आप आ जाइए 8600, उसके बाद आ जाइए 9600। ये तीन सीरीज इन्होंने लॉन्च की हैं। तो 9600 सीरीज भी काफी अच्छी बिक रही है, 9600 9900 9950, इस तरीके से पूरी सीरीज वो भी प्रॉपर भी बिक रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इनकी फिर से एक बार आप होने वाली सीरीज है 76 सीरीज जो है उसको काफी पसंद किया गया है। ये बिल्ट भी अपना 7600X के साथ में है, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के साथ में प्रोडक्ट को दिखाते भी चलते हैं। 7600X ये जो अपना प्रोसेसर है 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है, 4.7 GHz बेस क्लॉक है और 5.3 GHz से इसकी मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक है जिसपे इसकी वर्किंग करनी है। इसकी खासियत क्या थी, ये 5 नैनोमीटर के प्रोसेसर हैं, जबकि अभी जब हम लोग राइजन 7 जिसका एक बिल्ट अभी कल का मैंने डाला है, आज वीडियो पब्लिश हुई होगी, वो 5700X पे जो था वो राइजन 7 था और उसमें आपका AM4 सॉकेट यूज होता था, ये AM5 सॉकेट पर है। AM5 सॉकेट्स में 5 नैनोमीटर के प्रोसेसर यूज किए जाते हैं। AMD ने अपने सभी टेक्नोलॉजीज को धीमे धीमे अपग्रेड किया। 2700X 3700X 5700X 5700X, ये तीनों सीरीज जो थी आपकी AM4 पे थी, अभी 7600 8600 या 9600 ये सारी सीरीज किस पे है, AM5 पर है और 5 नैनोमीटर के ये प्रोसेसर है, इनको बिल्ट पे हम लोग यूज करेंगे। अभी जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो है 7600X। इसमें हम लोग जो स्टोरेज के रूप में दो स्टोरेज यूज करेंगे, प्राइमरी स्टोरेज के रूप में किंगस्टन की NVMe यूज करेंगे जो 6000 रीड राइट स्पीड के साथ में है। इसमें एक सेकेंड स्टोरेज के रूप में हार्ड ड्राइव यूज करेंगे, 2 TB की रहेगी, 7200 RPM पे होगी, WD की ब्लू एडिशन इसको यूज करने जाएंगे। प्राइमरी पे इसमें सारे सॉफ्टवेयर इसलिए रन किए जाएंगे क्योंकि ये बेस तैयार करेगा और इसका हर ट्रांजेक्शन पीरियड जो होता है लेस होता है, इस वजह से हमने इसको क्या किया, प्राइमरी यूज़ किया है और सेकेंडरी में हार्ड ड्राइव को यूज़ किया है, 2 TB की ब्लू है, इसकी पैकेट हटी हुई है, वो इस वजह से क्योंकि अभी जब इसकी फ़ोटो ली जा रही थी तो ये लाइट मार रही थी तो उसको हटा दिया गया है, तो ये मत समझिएगा कि ये ओपन है, ओपन नहीं है, ये न्यू है और 2 TB की है, 7200 RPM पे,
इसको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में यूज करेंगे। रैम हम लोग 16 GB की किंगस्टन फ्यूरी बीस्ट को यूज करने जा रहे हैं। ये सिंगल स्टिक है, मदरबोर्ड पे हमारे पास 4 स्टिक का ऑप्शन है, 16x4 तक एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर ये 32 GB की सिंगल लगाते हैं तो 32x4 तक मतलब 128 GB तक एक्सपेंड कर सकते थे। जो हम लोग इसमें यूज करने जा रहे हैं B650 गेमिंग प्लस वाईफाई है, 4 RAM स्लॉट के साथ में है, 2 M.2 NVMe और 2 PCI Express स्लॉट मिल जाते हैं, LAN वगैरह की पूरी फैसिलिटी, वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 5.2, ये सारे फीचर्स इसमें यूज किए जाएंगे। अभी इसकी जब हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे तो इसके सारे फीचर्स आपको दिखाई देंगे। हीट शील्ड वगैरह काफ़ी अच्छी दी हुई है, आयो शील्ड प्रॉपर वे में पहले से इंस्टॉल रहेगी। तो बोर्ड M सीरीज़ का है, मतलब मीडियम सीरीज़ का है, लेकिन वर्किंग के लिए पूरी तरीके से रेडी है। प्रोसेसर अपना जो 7600 है उसमें फ़ैन नहीं मिला है, इसकी सेहत से आपको पता लग गया होगा कि इसमें फ़ैन नहीं है। इसके लिए एक सपोर्टिंग हमको फ़ैन देना था, तो लिक्विड कूलर भी दिया जा सकता था और स्टॉक फैन भी दिया जा सकता था। अभी जितनी वर्किंग है, चूंकि अब ठंडी का सीजन स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे आप ये मान लीजिए अभी अक्टूबर से लेके कम से कम मार्च तक कोई भी इशू नहीं आने जा रहा, और अगर बहुत हैवी रेंडर पड़े तब में भी ये शायद जाके कुछ जरूरत पड़ सकती है लिक्विड कूलर की, नहीं तो 99% वर्क ये स्टॉक फैन करने में कैपेबल है। इस वजह से अभी हम लोगों ने सिर्फ इसको ऐड किया है हाइपर 212 स्पेक्ट्रम V3 स्टॉक फैन को इस प्रोसेसर के लिए। अब आ जाते हैं जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड को हम लोगों की तैयारी थी कि 1650 पे जाया जाए, 3060 पे जाया जाए, 3050 पे जाया जाए, बजट को कंसंट्रेट किया जाए, कम किया जाए और संतुलित करते हुए सिस्टम को एक रेडी कर लिया जाए, बाद में अगर कुछ अपग्रेडेशन होती है तो देखा जाएगा। लेकिन वह नहीं, बार बार लेने नहीं जाएंगे, 3-4 साल की छुट्टी करनी है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 4060 ईगल OC एडिशन को हम लोग यूज कर लेंगे, 3 फैन का एडिशन है, काफी अच्छी वर्किंग पर है। जिस तरीके से RTX अपना 3060 7 नैनोमीटर्स के प्रोसेसर पे होता था, 192 बिट होते थे और उसके अंदर क्या चीज़ें अच्छी कर दी थी कि 12 GB भी रैम थी। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इन्होंने 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर इंक्लूड किया उसके बाद AI ज़्यादा बेटर कर दिया और टेंसर कोर और बेटर कर दिए, इस वजह से 4060 की परफॉर्मेंस अब निकल कर बहुत प्रॉपर वे में आ रही है। इसी वजह से हम लोगों ने इसमें जो ग्राफिक कार्ड है 4060 को इस बार ऐड किया है। पावर सप्लाई को हम लोग गोर्शर की CX650 सीरीज को यूज करने जा रहे हैं, ब्रॉन्ज कैटेगरी की होती है, 5 ईयर वारंटी के साथ आती है। गोर्शर की CV और CX ये दोनों पावर सप्लाई अल्टीमेट होती है ब्रॉन्ज कैटेगरी में, गोल्ड में अगर होती तो और बेटर होता, लेकिन उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अपना जो ग्राफिक कार्ड है ये 550 वाट सफिशेंट होती है, 650 थोड़ी सी ज़्यादा ही रख के चल रहा है। रीज़न, हमेशा पावर सप्लाई थोड़ी ज़्यादा रखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लोड आपका किस टाइम इंक्रीज हो जाए उस टाइम बाद में 150 वाट ढूंढने से अच्छा फिर ये होता है फिर पावर सप्लाई चेंज करना, उससे ज़्यादा अच्छा पहले से पावर सप्लाई थोड़ी बढ़ा के चले। CX सीरीज़ की इसीलिए हम लोगों ने कोर्चर की सप्लाई को यूज़ कर लिया है। अब इन सबको ऐड हमको किस पे करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। बहुत सारी कैबिनेटें देखी गई, बाद में एनटेक की 410 सीरीज़ की एक कैबिनेट है, 4 फैन ARGB मिल जाते हैं, काफ़ी बड़ा स्पेस है, जैसे कूलर मास्टर की K501L के अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, सेम वैसे ही है। और इसका एक फीचर्स और भी अच्छा है, ये बॉक्स इसका जो है ग्लास जो है इसको आप मैग्नेट पर है इसको आप ओपन कर सकते हैं, ये देखिए, ये जो दरवाजे वाला फीचर था ना, ये जो गैलेक्स ने देना स्टार्ट किया था, सबसे पहले थर्मल टेक ने दिया था, फिर गैलेक्स ने, और अब ये एंटेक, ये एंट स्पोर्ट्स ने भी थर्ड टाइम अपना इसमें ऐड कर लिया है। तो सफाई करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको ग्लास पूरा निकालना नहीं पड़ता, टूटने का डर नहीं है। आप खोलिए, सामने से उसे हल्का फुल्का ब्लोअर मारिए, डस्टिंग रिमूव करिए और फिर से बंद करिए और अपने काम पर लग जाइए। इसके अंदर अपर सीरीज पे दो टाइप, ये दो जो है इन्होंने USB 3.0 और एक टाइप सी का पोर्ट भी दिया हुआ है, मैश 360 लिक्विड कूलर भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारे फीचर्स को मिलाने के बाद इस कैबिनेट की प्राइस रेंज भी 5000 के अंदर है। ये सारे फीचर्स कैबिनेट को काफ़ी मजबूत और अच्छा बनाते हैं। अभी बस एक काम स्टार्ट करते हैं, फटाफट इसको रेडी करते हैं और थोड़ी देर में मिलते हैं बिल्ट होने के बाद। गाइस, जिस बिल्ट की प्रिपरेशन चल रही थी मैंग की, वो बिल्ट अभी पूरी तरीके से रेडी है। जैसा मैंने बताया था, 3 फैन आपको फ्रंट पे मिल जाते हैं जो कि मैश के साथ में है, मैश फ्रंट पे है, जैसे एयर वेंटिलेशन काफ़ी प्रॉपर हो जाता है। इनटेक इधर वाले फैन से हो जाता है और आउटटेक जो है पीछे वाले फैन से, जो एग्जॉस्ट फैन कहलाता है उससे होता है। एक अपना जो हम लोगों ने स्टॉक फैन यूज़ किया है वो भी इसमें यूज़ हो गया है, हाइपर 212 जो कूलर मास्टर का है। साथ में इस कैबिनेट में एक चीज़ आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी,
मैं दिखा देता हूँ। ये ग्राफिक कार्ड का स्टैंड भी इन्होंने दिया हुआ है, जिसकी वजह से ग्राफिक कार्ड लटकेगा कभी नहीं। अगर आप 5,000 रुपये की रेंज में ग्राफिक कार्ड होल्डर प्लस कैबिनेट 360 लिक्विड कूलर का सपोर्ट टाइप सी कनेक्टिविटी इतने फीचर्स अगर आप पा रहे हैं तो वास्तव में एंट स्पोर्ट्स ने रेवोल्यूशन लॉन्च कर दिया है। क्योंकि इतने फीचर्स जो थे, आपको मैं बताऊं, अगर ये ग्राफिक कार्ड होल्डर मिलता था तो ये 12,000 प्लस वाली कैबिनेटों में मैक्सिमम मिलता था। ये NZST ने शुरुआत में कुछ कैबिनेटें दी थी, उसके अंदर S340, 540 उन सब में आपको ये ऑप्शन मिलते थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, कम बजट के अंदर इतने सारे यूटिलाइजेशन, 360 का लिक्विड कूलर फेस कर सकते हैं, ऊपर USB 3.0, 2.0 के ऑप्शन मिल रहे हैं, LED चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है, टाइप सी मिल रही है, रिस्टार्ट मिल रहा है और स्टार्ट मिल रहा है। ये फीचर्स बहुत अल्टीमेट हैं 5,000 की रेंज की कैबिनेट में। अब आ जाते हैं इसकी परफॉर्मेंस पे। 4060 ट्रिपल फैन का एडिशन है, देखिए लोड बिल्कुल बटा हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ रही है, ग्राफिक कार्ड एकदम स्मूथली अपने पैरों पे खड़ा है। जो होल्डर मिला है उसकी वजह से ये अपने पैरों पे प्रॉपर वे में खड़ा है। और 16GB की एक सिंगल अपनी जो है किंगस्टन फ्यूरी बीस्ट लगी हुई है, और 3 और बढ़ने का ऑप्शन इसमें साथ में है। एक 1TB की NVMe किंगस्टन की Gen 4 और 2TB की हार्ड ड्राइव साथ में। अब इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। अपना जो ये मॉनिटर है, अल्ट्रा गेयर सीरीज 180Hz 1ms 99% sRGB, मतलब क्या क्या चाहते हो आप वो सब बताते जाओ, इन्होंने सब कुछ दे दिया आपको। कलर करेक्शंस, मतलब आप जब एडिटिंग करने बैठेंगे तो अल्टीमेट लुक्स, उसके लिए आपको IPS पैनल और 99% sRGB पूरी प्रोवाइड हो रही। उसके बाद आप गेमिंग करने जाओ तो 180Hz पे आपको मॉनिटर सपोर्ट कर रहा है, 1ms का रिस्पांस टाइम दे रहा है, मतलब मिशन गेम हो, टारगेट गेम हो, सब कुछ खेलने के लिए अल्टीमेट। ये सारी चीज़ों के साथ में एक 1KVA का UPS और विंडो 11 प्रो भी इसमें इंक्लूड है। और इन सब को मिलाने के बाद इस टोटल बिल्ड कॉस्ट बैठी है 1,20,000। 1,20,000 के अकॉर्डिंग ये बिल्ट आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। इतने सारे फीचर्स जिसके अंदर आपको 7600X MSI का, B650M सीरीज का मदरबोर्ड जो वाईफाई ब्लूटूथ के साथ हो, 4 रैम स्लॉट के ऑप्शन अवेलेबल हो, 16GB की सिंगल स्टिक यूज हो रही है, और 1TB की NVMe Gen 4 कैटेगरी, 2TB की हार्ड ड्राइव, एक स्टॉक फैन अपना अलग से कूलर मास्टर का हाइपर सीरीज का 650W कूलर मास्टर के SMPS, कोर्चर को हटाना पड़ गया क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर MOSFET सप्लाई पे 8-8 पिन के 2 कनेक्टर दिए थे, कोर्चर में वो नहीं दिए थे, इस वजह से हम लोगों को कूलर मास्टर के SMPS को इंक्लूड करना पड़ा। और साथ में अपना LG अल्ट्रा गियर मॉनिटर जो 180Hz 1ms 99% sRGB और 1KVA का UPS, आर्टिस का जो 2-year बैटरी 2-year सर्किट के साथ में पूरा बैकअप इसका लोड लेने के लिए रेडी है। ये पूरी बिल्ड कॉस्ट 1,20,000 रुपये के अकॉर्डिंग बिल्ड कॉस्ट और परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। आज के लिए गाइस बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए बिल्ड के साथ में। थैंक यू।